बच्चों, कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज इकाई 7 आय और रोजगार का निर्धारण के अंतर्गत समग्र मांग एवं समग्र मांग के तत्व के विषय में अपन अध्ययन करेंगे। आपको बता दूं कि समग्र आय एवं समग्र मांग के तत्व तो समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख रूपों में एक देश की जो आय व रोजगार का अध्ययन में किया जाता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार सिद्धांत को मतलब उसको समष्टि अर्थशास्त्र को आप आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार का निर्धारण के दो मुख्य सिद्धांत हैं। तो पहला है आय व रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत और दूसरा है किन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत। तो आपको इसके मतलब अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार को निर्धारण करने के दो तत्व आय रोजगार व परंपरावादी सिद्धांत। तो आय व रोजगार के परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने विचार प्रकट किए थे कि हम आय व रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत कहते हैं। जो आय है, आय व रोजगार के बारे में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रकट किए कि हम आय व रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत कहते हैं। मतलब उन्होंने आय को और रोजगार को क्या कहा है? परंपरावादी सिद्धांत कहा है। परंपरावादी सिद्धांत में आप मतलब जो अर्थशास्त्री हैं डेविड रिकार्डो, जे एस मिल और मार्शल पीगू आदि ने को इसमें शामिल किया जाता है। इस परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर किया गया था। तो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों में इसके अध्ययन के आधार पर इसको समुच्च अर्थव्यवस्था को क्या करता है? लागू करता है। उन्होंने समुच्च देश की आय और रोजगार के निर्धारण में यही दृष्टिकोण अपनाया कि उन्हें कोई अलग अलग सिद्धांत नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत आय, एक फर्म, एक उद्योग और रोजगार निर्धारण के संबंधित निष्कर्षों में राष्ट्रीय आय एवं कुल रोजगार के जो निर्धारण के लिए उसे क्या माना? ठीक माना। तो उसके बाद आय के रोजगार के परंपरावादी सिद्धांतों की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो आपको बता दूं, जो आय व रोजगार का सिद्धांत है, इसके आधार पर आय व रोजगार के बारे में उन्होंने कहा कि कोई भी अलग अलग सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि व्यक्तिगत आय किसी एक फर्म, उद्योग और रोजगार के निर्धारण में निष्कर्ष उन्होंने निकाला। फिर है मांग व पूर्ति में सतह संतुलन। तो पहला एक कारण है इसका जो है आय के रोजगार सिद्धांत की विशेषता। तो आय का रोजगार सिद्धांत है ये, क्या है विशेषता? अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी और पूर्ण रोजगार क्या रहेगा? बनेगा।
अगर मांग बढ़ेगी तो रोजगार भी क्या होगा, बढ़ेगा, और ये रोजगार क्या होगा, पूर्ण रोजगार बना रहेगा हमेशा दिन तक। अगर मांग बढ़ेगी तो पूर्ति, तो सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा और मांग और पूर्ति का संतुलन टूट जाएगा और बेरोजगारी की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हो गया पहला। ये दूसरा रास्ता होगा कि अति उत्पादक, अति उत्पादकता। परंपरावादी अर्थशास्त्र ने अति उत्पादक की कल्पना नहीं की। जेएस मिल के अनुसार उन्होंने कहा कि देश की वार्षिक उत्पादन कितना ही क्यों ना हो, मतलब देश का वार्षिक उत्पादन कितना क्यों ना हो, लेकिन वार्षिक मांग में अधिक भी हो सकती है, मतलब वर्ष में मांग मतलब अधिक भी हो सकती है। उत्पादन के साथ साथ परिश्रम में भी वृद्धि होगी, जो वस्तुओं की मांग कैसी होगी, बढ़ती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में सदैव चक्रीय प्रवृत्ति पाई जाती है और उत्पादन सहय, मतलब जो उसका उत्पादन है स्वतः ही बिक जाता है। फिर तीसरा है रोजगार की, तो अति उत्पादन के कारण भी रोजगार क्या होता है। परंपरावादी अर्थशास्त्री ने बेरोजगारी की समस्या को भयावहित बताया, मतलब बेरोजगारी कल्पना निराधार है, मतलब जो बेरोजगारी है उसको बेरोजगारी की समस्या से लोग क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। क्यों? उनको लगता है अगर रोजगार चला गया, नेचुरल सी बात है, अगर आप बेरोजगार हैं तो ये एक समस्या भावी नहीं है, क्योंकि अति उत्पादन की संभावना है, समानता बेरोजगारी की संभावना असंभावना होगी, समानता जो होगी जो बेरोजगारी की संभावना होगी। यदि अर्थव्यवस्था में कभी बेरोजगारी होती है तो वह कैसी होती है, अल्पकालीन होती है। अगर आपका उत्पादन कम हुआ तो जो अर्थव्यवस्था में कमी कैसी होगी, तब जो कमी बेरोजगारी होती है, लेकिन वह कैसी होती है, अल्पकालीन होती है, और कुछ समय के पश्चात उसमें जो हो जाता है क्या, कुछ समय के पश्चात आप देखोगे कि कुछ समय के पश्चात ब्याज और मजदूरी की दरों में भी परिवर्तन रखकर ऐसी बेरोजगारी को समाप्त कर दिया जाता है और अंत में किया जा सकता है, और अंत में अस्थायी बेरोजगारी चिंताजनक नहीं होती। हस्तक्षेप रहित आर्थिक समाज, तो जो परंपरावादी अर्थशास्त्री होते हैं उसमें अर्थव्यवस्था को ऐसी लोच होती है जिसमें बाह्य हस्तक्षेप, मतलब बाहर कोई हस्तक्षेप की किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती, और अर्थव्यवस्था में सरकारी और अर्ध सरकारी हस्तक्षेप किया गया तो अवश्य बेरोजगारी क्या होगी, उत्पन्न हो जाएगी। जेवीसी का विचार है कि आर्थिक प्रणाली में स्वचालित, जो आर्थिक प्रणाली वह स्वचालित होती है उसमें हस्तक्षेप को नहीं, मतलब सुंदर ढंग से कार्य करते हैं, स्वचालित कभी अवरोध उत्पन्न नहीं होता, जो स्वचालित संस्थाएं होती हैं उनमें कभी अवरोध उत्पन्न नहीं होता, और अर्थव्यवस्था का लचीलापन अवरोध को दूर कर देता है, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को क्या कर लेता है, व्यवस्थित कर लेता है। तो ये इसकी विशेषता ये भी हो गई कि आपको हस्तक्षेप रहित आर्थिक समाज। फिर है रोजगार दिलाने वाली लागत का स्वतः प्रकट होना। जो परंपरावादी अर्थशास्त्री है उनकी अवधारणा में जब आप बेकार पड़े साधनों को काम में लाया जाता है तो उससे वस्तुओं का उत्पादन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और साधनों में विशेषकर श्रमिक को क्या होती है, आय प्राप्त होती है, और नए नए रोजगार भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आय स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर आप नए नए साधनों में का उपयोग करोगे और विशेषकर श्रमिकों की आय में क्या होती है, नए साधनों से विशेषकर श्रमिकों को आय प्राप्त होती है, और नए नए साधनों से रोजगार क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, और इस क्रिया से रोजगार का स्तर कैसा होता है, बढ़ता जाता। फिर परंपरा सिद्धांतवादी सिद्धांत की मान्यता होती है बाजार में विस्तार को पूर्णतः संभावना, मतलब जो बाजार का विस्तार है पूर्णतः संभव हो जाता है। इसमें सरकारी व गैर सरकारी हस्तक्षेप होते हैं वह क्या हो जाते हैं, समाप्त करके संरक्षण दिया जाता है, और इसमें बाजार के विस्तार की पूर्ण संभावना होती है।
और उसमें स्वतंत्र प्रतियोगिता और स्वतंत्र व्यवहार की दशा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। फिर इसमें बंद अर्थव्यवस्था का होना, जो इसमें जो रोजगार दिलाते थे, जो आय का विकास की परंपरावादी सिद्धांत की मुख्य मान्यता है, इसमें बंद अर्थव्यवस्था का न होना। फिर है मुद्रा का संग्रहण ना होना, मुद्रा का संग्रहण ना होना और समाज व अर्जित संपूर्ण आय का उपभोग करना, ये परंपरावादी सिद्धांत की मान्यता हो गई। आपने आज इकाई 7 में आय के रोजगार सिद्धांत के निर्धारण में आपने दो सिद्धांतों को प्रमुख, इसके प्रमुख दो सिद्धांत हैं, आय का रोजगार सिद्धांत हॉकिंस का आय। आज आपने आय व रोजगार के सिद्धांत की आपने परिभाषा और विशेषताएं पढ़ी और मान्यताएं पढ़ी। धन्यवाद बच्चों।